नगर पालिका परिषद की एक सभासद पति के खिलाफ तहसील पहुंची दर्जनों महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि उक्त सभासद पति द्वारा मोहल्ले में आए दिन नशा कर लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तहसील पहुंची महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सभासद पति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में पीड़ित महिला रजनी नाग पत्नी हरिवंश कुमार ने कहा कि मोहल्ले का निवासी धर्मराज आए दिन शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा काटता है और लोगों से अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है, और जब वह उसका विरोध करती है तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। पीड़ित महिला रजनी का कहना है कि आरोपी पेशे से वकालत करता है, जिसके चलते उस पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। भाजपा नेता कुंता अग्रवाल की अगुवाई में पीड़िता के साथ तहसील पहुंची दर्जनों महिलाओं ने एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए उक्त सभासद पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेत्री कुंता अग्रवाल ने कहा कि अगर प्रशासन ने उक्त आरोपी पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वह महिलाओं के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश होगी। एसडीएम ने महिलाओं को मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे पास रजनी नाम की महिला रंगडिजाइन मोहल्ले से आई रात के समय और रोने लगी, कहने लगी कि हमको एक वकील साहब हैं पलिया तहसील के, उनका नाम धर्मराज वकील है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा है, छत पे खड़े हो जाते हैं, नंगे खड़े होकर के गंदी गंदी बातें बोलते हैं, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देते हैं और हम पूरे मोहल्ले वालों को रहना दुभर कर रखा है। लिहाजा एक महिला ऐसी भी मेरे सामने आई है जो विधवा है, उसको इस्तेमाल भी किया और आज उसको नंगापन दिखा दिखा करके उसको मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों उठवा दूंगा, और उसने इतना ज़्यादा अत्याचार कर रखा है कि हम लोग इसी के लिए ज्ञापन देने आए हैं एसडीएम साहब को। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं अगर नहीं होता है कुछ भी, अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और उसका सशक्तिकरण दिखाएंगी।